Hi, welcome back to my YouTube channel. My name is Nidhi and in this video we are going to talk about a new government job. जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं किसी न किसी नए गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग और नॉर्मल जॉब्स के रिगार्डिंग ऑल्सो. सो यहाँ पे अभी जो हाल ही में निकली हुई हैं, जो गवर्नमेंट जॉब निकली हुई हैं, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं और आप बोल सकते हो ये काफी अच्छी न्यूज है, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट जॉब्स जो निकली हुई हैं इसके लिए आई थिंक एवरीवन एलिजिबल है. क्योंकि अगर आपने 10th पास किया हुआ है, किसी भी बोर्ड से आपने 10th पास किया हुआ है, कितने भी परसेंटेज आए आपके, आप अगर पास होना तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो. दैट इज द बेस्ट थिंग ऑफ दिस जॉब और वन ऑफ द बेस्ट आप डिपार्टमेंट में निकली हुई है. तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको एक पूरी कंप्लीट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इस एग्जाम के रिगार्डिंग और इसके नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग आपको मिल पाए. ओके, हमने इतनी सारी बातें तो कर ली इस एग्जाम के रिगार्डिंग, बट ये जो एग्जाम है, ये जो पोस्ट है, ये जो जॉब है, ये निकली किस में है, ये तो बताना जरूरी है ना. तो ये जो जॉब आपकी निकली हुई है ना, ये आपकी आईबी में निकली हुई है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में निकली हुई है, खुफिया विभाग में निकली हुई है. और ये जो आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर आता है. ओके, तो ये वन ऑफ द बेस्ट जॉब आप बोल सकते हो इसको, और काफी अच्छी जॉब है. अगर आप 10th पास हो या फिर आपके पास में कोई हायर एजुकेशन नहीं है या फिर आपकी परसेंटेज बहुत कम है किसी ग्रेजुएशन, क्योंकि मोस्टली हम जब किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं ना, तो वहां पे एक लिमिट लगा दी जाती है. अगर आपके पास में 60% नहीं है या 50% नहीं है, 55% नहीं, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो. बट यहाँ पे अगर आपके कितने भी परसेंटेज हैं 10th में, तो आप अप्लाई कर सकते हो. तो इन दैट केस ऑब्वियसली ये काफी अच्छी जॉब है. तो चलिए बात करते हैं इसके डिटेल्ड नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग और कैसे क्या इसका एग्जाम रहेगा, इसको क्या अप्लाई करने की क्या डेट है, एवरीथिंग यू गेट टू नो इन दिस वीडियो. तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. ओके, इसको अप्लाई करने की जो विंडो ओपन है वो आपकी 5th of November से ओपन हो गई थी और आपका जो लास्ट डेट है वो 25th of November है. तो आप अभी भी जाके इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो, काफी अच्छी जॉब है गाइज. एंड वन मोर थिंग, ये जो जॉब लास्ट आई थी ये 2018 में आई थी. 2018 के बाद में ये काफी लंबा गैप है 2022, तो इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, दैट वन आल्सो वेरी ऑसम. ओके, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें 1700 समथिंग निकली हुई हैं, या 1500 आपकी सिक्योरिटी असिस्टेंट पे निकली है. दो पोस्ट हैं इसमें, एक सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट है, एक एमटीएस की पोस्ट है. सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट पे 1500 समथिंग वैकेंसीज निकली हुई है, वहीं आप एमटीएस की पोस्ट की बात करें तो 150 वैकेंसीज निकली हुई हैं इसमें. बात कर लेते हैं इसके फॉर्म फीस की. फॉर्म फीस आपकी फीमेल एसटी एससी एसटी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 50 रुपीज, बहुत ही कम माइन्यूट सी एप्लीकेशन फीस है इसकी. और यहाँ पे जो आपके जनरल ओबीसी हो गई, डब्ल्यूएस हो गए, इनके लिए 450 एप्लीकेशन फीस रखी गई है. वहीं पीएच वालों के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं, क्योंकि उनके लिए ये जॉब नहीं है. अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हैं तो आपके लिए ये जॉब नहीं है. तो यहाँ पे जो बेनिफिट है वो इन्हीं लोगों को मिलेगा इस जॉब का, यही लोग अप्लाई कर सकते हैं. फिजिकली हैंडीकैप लोग अप्लाई नहीं कर सकते आईवी की जॉब के लिए. ओके, अब बात कर लेते हैं इसमें एज लिमिट आपकी क्या रहने वाली है. तो यहाँ पे आपकी सिक्योरिटी असिस्टेंट की बात की जाए तो एज लिमिट आपकी 18 to 27 रखी गई है. वहीं अगर आप एमटीएस की मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करें तो यहाँ पे आपकी 18 to 25 रखी गई है. ओके, चलिए अब इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें. जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था इसकी क्वालिफिकेशन 10th पास है. अगर आप 10th में आपने किसी बोर्ड से 10th कर रखा है, आप अप्लाई कर सकते हो. कोई भी परसेंटेज हो आप अप्लाई कर सकते हो, बस आप पास होने चाहिए. ओके, एंड ये जो फॉर्म निकला हुआ है ना, ये 37 सिटीज में निकला हुआ है. मतलब अगर आप जिस भी स्टेट से हैं, आप उस स्टेट की कोई भी सिटी जहां की लोकल लैंग्वेज आपको आती है तो आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि लोकल लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको आना, क्योंकि इसका भी एक टेस्ट होता है. ठीक है, अभी जब हम इसकी फेजेस की बात करेंगे तब हम इसकी बात करेंगे. ओके, अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट आ रहा हो, क्या मैं दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, क्या मुझे दो एग्जाम देने होंगे, या फिर मुझे दो बार फॉर्म फीस देनी होगी या दो बार फॉर्म फिल करने होंगे.
सो गाइज, अगर आप दोनों फॉर्म के दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो, यहाँ पे एमटीएस एंड सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, तो यहाँ पे आपकी कोई भी एक्स्ट्रा फॉर्म फीस नहीं लगेगी। एक ही फॉर्म फीस लगेगी, एक ही एग्जाम आपको देना है। बस आपको फॉर्म फिल करते टाइम वहां पे ऑप्शन में चूज करना है कि आपको एमटीएस के लिए अप्लाई करना है खाली, या फिर आपको सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए भी अप्लाई करना है। अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करोगे तो भी आपको एक ही एग्जाम देना है, उसके बेसिस पे ही आपको मतलब आपकी जो भी पोस्ट रहेगी उसके बेसिस पे ही डिसाइड होगी, और बाकी आपको कुछ भी एक्स्ट्रा एड ऑन करने की जरूरत नहीं है इसमें, कि आपको कोई एक्स्ट्रा फीस देनी पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। ओके, अब हम बात कर लेते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न आपका जो रहेगा वो तीन फेजेस में रहेगा, फेज वन, फेज टू एंड फेज थ्री। फेज वन में आपका जो होगा वो आपका रिटन टेस्ट होगा। देन जब आपका रिटन टेस्ट आप क्वालिफाई कर लेंगे, आपका फेज टू होगा, वहां पे आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। आफ्टर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका एक इंटरव्यू होगा। ओके, आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपका एक रिटन टेस्ट और आपके इंटरव्यू के बेसिस पे होगा, लैंग्वेज के टेस्ट के बेसिस पे नहीं होगा। ये जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर है, आपको लैंग्वेज आनी चाहिए उस एरिया की, आपको लैंग्वेज आती है उस एरिया की जहां से आप अप्लाई कर रहे हो या नहीं, इसको जानने के लिए आपका टेस्ट होगा नॉर्मली। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी रिटन टेस्ट की। रिटन टेस्ट आपका जो होगा, इसमें आपको 5 सेक्शंस देखने को मिलेंगे और ईच सेक्शन 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स के रहेंगे, और ये पूरा ओवरऑल आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा। ओके, जिसमें आपके सेक्शन की बात करें तो इंग्लिश हो गया, क्वांट हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, ठीक है, एंड आपका रीजनिंग हो गया। अब यहां पे डिफरेंस क्या है जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज में? जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज में यहां पे क्या डिफरेंस है? देखिए, जनरल अवेयरनेस में आपको करंट का पढ़ना है, वही जनरल नॉलेज में आपको स्टैटिक जो हो गया आपका, इकोनॉमिक हो गया, हिस्ट्री हो गया, जिसके लिए ल्यूसेंट की बुक आपकी सफिशियंट है। ओके, आप ल्यूसेंट की बुक से पढ़ सकते हो, और जनरल अवेयरनेस आप जीके टुडे की वीडियो से कवर कर सकते हो। इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, ये ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में आते हैं, और ये 4 सेक्शंस तो कॉमन है, वो हर एक एग्जाम में आते हैं आपके। और मैं एवरी टाइम आपको बताती हूँ कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, बट जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है क्वेश्चन का वो बढ़ जाएगा या फिर कम हो जाएगा आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर आप किसी अच्छे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, लाइक आरवे ग्रेड बी एंड दिस काइंड ऑफ एग्जाम, तो वहां पे आपका जो क्वेश्चन लेवल है, तो वहां पे जो आपका क्वेश्चन लेवल है वो ऑटोमेटिकली काफी हाई हो जाएगा। और अगर आप और किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, लाइक पीओ एंड बैंकिंग एंड आरबीपीओ की, तो वहां पे क्वेश्चन लेवल ऑब्वियसली इतना ज्यादा आपका नहीं होगा। ओके, तो ये आपका पूरा इसके एग्जाम का हो गया। देन आपका 40 मार्क्स का लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, देन आपका फेज थ्री में इंटरव्यू का टेस्ट होगा जो कि 50 मार्क्स का है। इंटरव्यू भी इसमें नॉर्मल होता है, इतना डरने की जरूरत नहीं है किसी भी इंटरव्यू को लेके। तो यहाँ पे वैसे मैं सोच भी रही हूँ अपकमिंग वीडियोस में इंटरव्यू से रिलेटेड भी मैं वीडियोस बनाऊं कि क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है आपके इंटरव्यू के लिए। अगर आप इंटरव्यू लेवल पहुंच गए हो तो वहां पे क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको कहाँ कहाँ पे ध्यान देना है। सो इस तरीके के वीडियोस मैं डेफिनेटली अपने चैनल पे लेकर आऊंगी, आप लोगों की हेल्प हो पाए। जो लोग एग्जाम क्लियर करके इंटरव्यू लेवल तक गए हैं उन लोगों की हेल्प हो पाए। ओके, बाकी इसमें सैलरी की बात की जाए तो सैलरी आपकी सिक्योरिटी असिस्टेंट की थोड़ी हायर सैलरी है, आप बोल सकते हो 35,000 समथिंग सैलरी आपको देखने को मिलेगी। एंड जो आपकी एमटीएस की पोस्ट है उसके लिए आपकी सैलरी 27,000 to 30,000 देखने को मिलेगी। तो सैलरी भी, स्टार्टिंग सैलरी भी आपकी काफी अच्छी है गाइस। तो अगर आपको ये लगता है कि आप एलिजिबल हो इस एग्जाम के लिए, या फिर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की वेट कर रहे थे बहुत टाइम से, तो आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंट जॉब है ये। और इसके अलावा मैंने थोड़े टाइम पहले FCI का जो हमारा नोटिफिकेशन आया था, FCI मैनेजर और असिस्टेंट के रिगार्डिंग जो भी पोस्ट थी उस पर वीडियोज बनाए थे, उसका एग्जाम बहुत ही जल्दी आने वाला है, तो प्लीज उस पर फोकस करिए। और उस पर स्ट्रेटेजी वीडियो आई विल डेफिनेटली मेक श्योर कि मैं जल्दी जल्दी बनाऊं उस पर, ताकि आप लोगों की हेल्प हो पाए, आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओ। और किस किस ने FCI मैनेजर के लिए अप्लाई किया है और ये पोस्ट के लिए कौन कौन अप्लाई कर रहा है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड अगर
मेरे वीडियोस आपको जैसे जॉब के रिगार्डिंग जो भी अपडेट मैं आपको देती हूँ, ये वीडियोस अगर आपके लिए हेल्पफुल रहते हैं देन प्लीज इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।